जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अभी वहाँ पे मत जाओ, 20 सितंबर तक वहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। पूरे 5 महीने बाद आज एक मैं प्रॉपर ट्रिप के लिए निकला हूँ, तो ये है गौरव। तो हम दोनों ने एक साथ लास्ट ट्रिप की थी वृंदावन की होली वाली, और तो उसके बाद आज हम जाने वाले हैं दार्जिलिंग। तो हम सुबह के 3 बजे निकले थे, तब अंधेरा ही था। अभी सूरज देवता बाहर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा होगा 7। और तो अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं जिसका नाम है घर परिवार रेस्टोरेंट एंड ढाबा। तो यहाँ पे हमने आलू प्याज का पराठा बोला है और एक चाय बोली है, तो चाय पराठा खा के निकलते हैं आगे। और ये सामने रही हमारी स्कूटी, इसी स्कूटी से हम जाने वाले हैं दार्जिलिंग। और ये सामने नेशनल हाईवे 57। तो मुजफ्फरपुर से दार्जिलिंग का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 550 किलोमीटर है। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुँचते हैं। अभी सुबह के 7 बजे, हम जल्दी इसलिए निकल गए हैं ताकि हम जल्दी पहुँच भी जाएँ वहाँ पर। तो इधर सामने बैग डाला है और ये जो मेरी स्कूटी है ये है हीरो डेस्टिनी। तो ये जो सामने आपको नदी दिख रही है ये कोसी नदी है और ये कोसी ब्रिज। अभी तो पानी इसमें थोड़ा सा कम हो गया है, अभी जब भी लेकिन जब बीच में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी थी बिहार में, तब वो जो आपको खाली सा मैदान दिख रहा है पूरा का पूरा यहाँ से लेके उधर एंड तक पूरे में ही पानी था। अभी भी कम पानी नहीं है। तो निकलने से पहले हमने टैंक फुल करवाया था, बट अभी 216 किलोमीटर हम आ चुके हैं आगे और अब पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो पेट्रोल लेते हैं फिर चलते हैं आगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, बट वो वीडियो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे। और पीछे देखो मौसम कितना ऑसम हो रहा है। तो मैं कल शाम को 5 बजे सिलीगुड़ी पहुँच गया था, लेकिन कल शाम को मैं इतना थक गया था कि कल हम वहीं पर रुक गए थे। और दार्जिलिंग के बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि अभी वहाँ पे मत जाओ, 20 सितंबर तक वहाँ पे लॉकडाउन लग गया है। और कितने लोगों ने बोला कि दार्जिलिंग में अभी एंटर करने नहीं दे रहे, सिलीगुड़ी में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अल्टरनेट डेज पे वहाँ पे लॉकडाउन होता है। लेकिन मैंने सोचा कि चाहे मुझे आधे रास्ते से वापस क्यों ना आना पड़े, मैं खुद जा के देखूँगा। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, घूम सकते हो आके। तो मेरे को जो 3-4 लोगों ने पॉजिटिव चीज़ें बोली थी, मैं उन पे ही बिलीव करके निकल गया अपनी स्कूटी से। कल शाम को 5 बजे मैं पहुंच गया था सिलीगुड़ी। ऊपर दार्जिलिंग तक आने का प्लान था, बट चूंकि वहीं पे आते आते शाम हो गई थी और मैं थक गया था। 2014 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लंबी राइड बाइक या स्कूटी पे की है। इससे पहले मैंने 2014 में मैं स्कूटी से दिल्ली से नैनीताल गया था, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और स्कूटी थी ये 125 सीसी की स्कूटी है, और स्कूटी की कितनी पावर होती है आप जानते ही हो। इसलिए मैं हर 50 किलोमीटर पे आधे घंटे के लिए रुक जाता था। इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, वरना जिस टाइम पे मैं निकला था 3 बजे, उस हिसाब से मुझे मैक्सिमम 2 या 3 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। अभी मैं दार्जिलिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। सी यू गाइस इन दार्जिलिंग। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज, एंड ऑफ कोर्स Keep traveling always. ढाबा तो यहाँ पे